बस अब एक दिन और कल हमें एक ऐसी अतरंगी लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो आज तक इंडियन सिनेमा में या कभी बनाई ही नहीं गई है और आने वाले समय में शायद बन भी ना पाए, क्योंकि अगर ये सक्सेस हो गई तो भाई साहब बन सकती है, अगर ये हिट या पिट गई तो भाई साहब मुश्किल है कि ऐसी मूवी बन पाएगी। क्योंकि रोबो गर्ल अपने हीरो यानी अपने शाहिद कपूर को रोबो गर्ल से प्यार हो जाता है, यानी साइबॉग से प्यार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया था, लेकिन भाई उस रोबो गर्ल यानी साइबॉग को अब इंडियन फैमिली में एडजस्ट भी करना है, और उस रोबो गर्ल में जितना सिस्टम लोडेड होगा एज इट इज जो उसने सीखा होगा, उसे अच्छे बुरे की कोई फर्क पता है नहीं, तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेशंस आने वाला है, और इसी कॉम्प्लिकेशंस में हमें कितना ज्यादा फन और ड्रामा और कॉमेडी एंड फैमिली एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी कल हमें देखने को मिल जाएगी 9 फरवरी को, जिसके रुझान्स अभी एक आध दिन से शुरू हो चुके हैं और एडवांस बुकिंग में ये तबाही मचा रही है। वो अभी देख लेंगे कि ये कितनी तबाही मचा रही है, क्योंकि भाई एडवांस बुकिंग में हमने बहुत से बड़े बड़े रुझान देखे हैं। तो क्या ये मूवी भी वैसे रुझान अपने खाते में लाते नजर आ रही है या नहीं, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल 9 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो जाएगी सुबह 6-7 बजे से ही, और रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे। अगर मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल गए तो भाई साहब अच्छी खासी ग्रोथ ये मूवी करके लेके चले जाएगी, क्योंकि मूवी का बजट 40 करोड़ के आसपास है और एडवांस बुकिंग देखें तो उतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है। हिंदी 2D से भाई 93,66,004 रुपए की एडवांस बुकिंग ये लोग ले चुके हैं कल डे वन की ओपनिंग के लिए, जिसमें से 43,250 टिकट इन्होंने हिंदी 2D से बेचे हैं, 191 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है, और टोटल सोज हिंदी 2D के मिलाकर 7,228 इनके खाते में आ चुके हैं। तो सोज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अगर 10,000 भी सोज भी आ जाते हैं तो ये मूवी इजिली 150 या 200 करोड़ पार कर लेगी। लेकिन कब, जब मूवी को पॉजिटिव रिव्यू कल से आने शुरू हो जाएंगे तब, क्योंकि अभी भाई साहब लोगों का ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि पहले एक दिन या 2 दिन देख लें मूवी को रिव्यू कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक आते आते बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी देखी, अभी फाइटर मूवी गई है, तो भाई लोगों की जेब थोड़ा तो ढीली हुई है, और आने वाले समय में बहुत सी ऐसी धमाकेदार मूवीज लाइन पर लगी हुई हैं जिससे कि लोग अपना पैसा जरूर सेव कर रहे होंगे। जहां मेजर बुकिंग अगर मैं बताऊं तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली NCR से 18,57,000 की बुकिंग हो चुकी है, मुंबई से 13,49,000, और नेशनल चेन्स की बात करें तो भाई नेशनल चेन्स यानी PVR, INX एंड सिनेपोलिक्स में कितने टिकट ये लोग सोल्ड आउट कर चुके हैं कल डे वन के लिए, और ये आज सुबह की है रिपोर्ट, तो 43,000 टिकट ये लोग वहां पर सोल्ड आउट कर चुके हैं। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यूएसए कनाडा में ही अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बाकी अदर कंट्री का भी डेटा रिवील आउट नहीं हुआ है, आई थिंक वहां रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, शायद गल्फ कंट्रीज में भी हो रही है बट बहुत मिनिमम स्केल पर। तो ओवरसीज से $55,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है, कहाँ से, यूएसए एंड कैनेडा से, और जो इस मोमेंटम को देखकर अंदाजा या उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई साहब लगभग $2,00,000 के आसपास ये लोग एडवांस बुकिंग ले लेंगे, मतलब कल डे वन की ओपनिंग के लिए। तो भाई मूवी का बजट है 40 करोड़, तो क्या ये 40 करोड़ भी कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज सुबह तक ये मूवी 1 करोड़ भी अपने खाते में लाते नजर नहीं आ रही है। भाई अगर इस मूवी को हिट होना है, एवरेजली हिट होना है, तो 50 करोड़ से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आना है तो 150 या 200 करोड़ की लिस्ट में जाना पड़ेगा। फिलहाल इस मूवी के लिए वेट है, क्योंकि इसका जो अंदाज है बहुत अतरंगी है, कंटेंट कहानी जो है बहुत अतरंगी है, क्योंकि ऐसी मूवीज हमें हॉलीवुड में ही देखने को मिलती हैं या फिर बाहर सिनेमा में देखने को मिलती हैं, एडवांस हाई टेक वाली जिसे बात कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ कितनी खरी उतरती नजर आती है। तो भाई वेट है, आप लोगों को इतना वेट है, अगर नहीं बुकिंग ली है तो ले लीजिए, क्योंकि भाई डेफिनेटली मजा तो आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।